के सामने भारत विधायक जो है नवनिर्वाचित बीजेपी के समर्थित विधायक वो कांग्रेस का खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला लिया जा रहा है। सर क्या पूरा मामला है, पुतला किस तरह? देखिए, जिस तरीके से संसद परिसर जो भारत का सबसे हमारा बड़ा जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जिस प्रकार से हमारे किसान कौम के, हमारे जाट समाज के उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम का जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती की है, हम कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी और आपकी कांग्रेस पार्टी की कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं, उनकी कठोर शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं और पूरे राजस्थान का जाट समाज राहुल गांधी को महामहिम उपराष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगने के लिए और वो भी लिखित में माफ़ी मांगने के लिए हम उनको इस बात की ताकीद करते हैं कि यदि ये आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा किसान कौम, राजस्थान का जाट समाज इस कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में यदि थोड़ी बहुत भी यदि बुद्धि काम कर रही है तो लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाके जल्दी से जल्दी महामहिम से माफ़ी मांगे। लगातार जो मांग की जा रही है, इनको माफ़ी की मांग है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जो बड़े नेता हैं वो माफ़ी मांगे। सर एक मुद्दा यह भी घूम रहा है कि क्या मिमिक्री की गई थी, क्या किस मुद्दे को लेकर? आप देखिए, हमारे किसान कौम से आते हैं, वो जाट समाज से आते हैं, उन्होंने जिस प्रकार की ओछी मिमिक्री की है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज के भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा सबको पवित्र बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी शरीर की एक किसान वर्ग के जो गरिमा में जो पद पर बैठे हुए आदमी की जिस प्रकार की ओछी मिमिक्री की है, वो किसान कौम के ऊपर सीधा हमला है। इसलिए पूरे राजस्थान का जाट वर्ग इनसे नाराज है और खास करके कांग्रेस के राष्ट्रीय राजकुमार ने जिस प्रकार से वीडियो बनाकर अपनी ओछी मानसिकता का जो परिचय दिया है, इनका जवाब 2024 के अंदर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी जी को यदि थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि है तो जल्दी से जल्दी महामहिम से लिखित में अपने राज्यसभा के अंदर जाकर महामहिम से लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे जाट समाज उनका विरोध करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। देखो लगातार जो मांग है मिमिक्री को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, माफ़ी मांगने को लेकर कही गई है बात की राहुल गांधी जो है मांगे जो अपनी उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म में डाला है उन्होंने उसके लिए लिखित में माफ़ी मांगे, ये इनका कहना है। हमारे साथ गोपाल जी, सर क्या पूरा मामला है, वहाँ से यहाँ तक पुतला लाया गया है, आगे जलाया जाएगा, क्या पूरा? दिल्ली की संसद में जिस तरह से बनर्जी द्वारा जो करते किया गया और राहुल गांधी जी द्वारा एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक नीचे किसान वर्ग से जो कार्यकर्ता इतना पद पर पहुँचा है उसके विरोध में जिस तरह उन्होंने फोटो खींच के नाटक किए हैं, ये राजस्थान की जनता, राजस्थान का आम किसान वर्ग इसका विरोध करते हैं और इनको उनको लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा नेता होने के बावजूद जो उन्होंने किया उनको शर्म आनी चाहिए थी। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में जो फर्क जो सामने चरितार्थ हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, कहाँ से रैली शुरू हुई है, कहाँ तक जाएगी, क्या रणनीति है? रणनीति ये अभी हम इस पुतले का अध्ययन करेंगे और जिस तरह राजस्थान के आम किसान का इन्होंने विरोध किया हम पूरा उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, पूरे जो बीजेपी समर्थित विधायक हैं वो लगातार यहाँ पे आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं राहुल गांधी के प्रति, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनकी मिमिक्री को लेकर जो माहौल बना है पूरे देश में और लगातार निंदा की जा रही है राहुल गांधी की कहने का लिखित में माफी मांगा। हमारे साथ महिला है, मैडम क्या पूरा मामला है, क्या किसान कौम का अपमान है कि आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके अंदर संवैधानिक पद पर एक किसान कौम के जो है धनखड़ साहब महामहिम विराजमान है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जी ने हरकत की है ये ना सिर्फ लोकतंत्र का अपमान है बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे संवैधानिक पद का एक अपमान है। और मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है क्योंकि ये संदेश इस तरह से मिमिक्री करके वो पूरी दुनिया में एक गलत संदेश इस लोकतंत्र का देते हैं, एक संवैधानिक पद का अपमान करके देते हैं और ये उनका कर्तव्य बनता है कि अगर वो लोकतंत्र को नहीं समझ पाए हैं और संवैधानिक पद की गरिमा अगर उनके समझ में नहीं आ रही है तो उनको फिर से इस पे विचार करना चाहिए और अपनी गलती का एहसास करके उनको लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो एक दुनिया में संदेश दे सके। क्योंकि देखिए, जो किसान कौम है बहुत ही उनका वीरों का इतिहास रहा है,
अन्नदाता है और इस तरह से अपमान संवैधानिक पद का और किसान कौम का जो अपमान हुआ है वो कोई नहीं सहेगा। राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान शूरवीरों की धरती और आने वाले समय में ये सबको पता चलेगा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हिंदुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता ऐसे शर्मनाक हादसों को स्वीकार नहीं करेगी और राहुल गांधी जी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल, जो बीजेपी समर्थित विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी लिखित में। अभी जो पुतला है राहुल गांधी का, जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मिमिक्री को लेकर सपोर्ट किया था, उनका पुतला दहन किया जाएगा। कुछ ही देर में पूरा जो जोश खरोश के साथ नारेबाजी करते हुए टी पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ पर विधानसभा के वहाँ पर जो आया है पुतला, वहाँ पर इसको पुतला दहन किया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक राहुल गांधी इस मामले को लेकर माफ़ी मांगते हैं नहीं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, दादागिरी मीडिया, जयपुर।